गुड मॉर्निंग एवरीवन. इन क्लास ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वी विल स्टडी अबाउट आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेज अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म वी हैव डिस्कस्ड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. Now, in this class, we will study about optical isomerism of coordination complexes. Before we start optical isomerism, we will discuss about some terms of related to this isomerism. First of all, what is optical activity, what is optical isomers, etc. Optical activity means rotate the plane of polarized light either in right or left direction. This property is called optical activity. Means यदि हम प्लेन पॉलराइज लाइट को किसी सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो अगर उस लाइट को वह सब्सटेंस या वह सॉल्यूशन उसको रोटेट कर देता है either in right side or in left side, तो दिस प्रॉपर्टी इज नैन नॉन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स. ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी वी डिसाइड अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमर्स. ऑप्टिकल आइसोमर्स शुड बी टू प्रॉपर्टीज. दे शुड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज. अर्थात ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दे शुड बी कीरेल कॉम्प्लेक्सेज. कीरेल मीन्स वी स्टडीड अबाउट द कीरेलिटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो. हियर लिटिल बिट डिफरेंस. इफ अ प्लेन ऑफ सिमिट्री डज नॉट एग्जिस्ट अराउंड द सेंट्रल मॉलिक्यूल व्हेन दैट मॉलिक्यूल हैज कीरेल सेंटर. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कीरेल कंपाउंड, वह कंपाउंड जिसपे कार्बन पे चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, उसको हम कीरेल कार्बन के नाम से जानते हैं. यहाँ पे हम ग्रुप्स के आधार पे नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री के आधार पे कीरेलिटी को डिसाइड करेंगे. यदि किसी कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है उसकी सेंटर मॉलिक्यूल के पास, तो उस मॉलिक्यूल को हम कीरेल सेंटर कहते हैं. ऊपर हमने पढ़ा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन्स दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ रोटेट पॉलराइज लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस वी विल डिवाइड इन द आइसोमर्स इन टू क्लासेज. फर्स्ट ऑफ डेक्स्ट्रा रोटेटरी आइसोमर्स, या इसको हम डी आइसोमर्स के नाम से जानते हैं. ये रोटेशन ऑफ द टू द राइट, अर्थात प्लेन पॉलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. सेकेंड वन इज लीवो रोटेटरी और एल आइसोमर के द्वारा लिख सकते हैं. ये कंपाउंड्स जो लाइट है उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. नेक्स्ट टर्म आती है इनेंसियोमर. इनेंसियोमर मीन्स ए पेयर ऑफ डी एंड एल आइसोमर आर नॉन एज इनेंसियोमर. अर्थात ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं. कुछ डी आइसोमर होते हैं, कुछ एल आइसोमर होते हैं. तो इन सबको, पेयर ऑफ डी एंड एल आइसोमर को हम इनेंसियोमर के नाम से जानते हैं. एक और टर्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे, रेसिमिक मिक्सचर. व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? दैट इज इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनेंसियोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. नेट रोटेशन ऑफ पोलराइज लाइट इज जीरो. अर्थात डी और एल आइसोमर का इक्वल क्वांटिटी का जो मिक्सचर है, या दोनों आइसोमर्स का इक्वीमोलर मिक्सचर है, उसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं. यह ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं और नेट रोटेशन ऑफ पोलराइजेशन जीरो होता है. जितना एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो साइड में रोटेट करता है उतना ही दूसरा कंपाउंड लीवो साइड में रोटेट कर देता है, तो नेट रिजल्ट हमें जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है वो जीरो मिलता है. द कंपाउंड्स दैट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुड बी. अर्थात जो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं उनमें निम्न दो क्वालिटीज होनी चाहिए. फर्स्ट वन एसिमेट्रिक, अर्थात नो प्लेन ऑफ सिमेट्री. जो कंपाउंड एसिमेट्रिक होगा वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स व्हेन कट थ्रू एन इमेजिनरी प्लेन
दैट इज किरियल कंपाउंड। यदि हम उसको एक इमेजिनरी प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, उसको हम एसिमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये वाली पिक्चर है जिसको यदि हम एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करते हैं तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम सिमेट्रिक कहेंगे। सेकंड वन इज़ द मिरर इमेज आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। दूसरी जो इसकी क्वालिटी होती है कि उनकी मिरर इमेज वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होनी चाहिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम अपना हैंड्स के द्वारा ले सकते हैं। यदि हम एक हाथ का मिरर इमेज देखते हैं तो वो उसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होता है। कॉमन इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बट नॉट इन स्क्वायर प्लेनर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी है ये मोस्टली टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जनरली नहीं देखने को मिलती है, जिसके पीछे रीजन है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। जब हम सिमेट्री पे ध्यान दें तो टेट्राहेड्रल में कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में जनरली एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। इसलिए ये कंपाउंड्स मोस्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, एक दो अपवाद को छोड़कर। और सबसे ज़्यादा जो ये आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलती है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब हमने बताया कि दो तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स किसी कंपाउंड के हो सकते हैं, तो उसके नॉमेनक्लेचर के डिफरेंट वेज हैं। तो वी कैन सी वेरियस मेथड्स हैव बीन यूज्ड टू डिनोट द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट सिंबल्स के द्वारा शो कर सकते हैं, सच इज आर और एस, डेल और डेल्टा, सी एंड ए। द IUPAC रूल सजेस्ट दैट फॉर जनरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस CA स्कीम इज कन्वीनियंट टू यूज एंड दैट फॉर बिस एंड ट्रिस बाइडेंटेड कॉम्प्लेक्स द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन बी डिजिग्नेटेड लैम्डा फॉर लेफ्ट हैंडेड एंड डेल्टा फॉर राइट हैंडेड। जनरली IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग हम उनको CA के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, C कॉम्प्लेक्स या क्लॉकवाइज, C मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ लाइट और A मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ लाइट, इस नाम के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स जैसे बिस एंड ट्रिस बाइडेंटेड कॉम्प्लेक्स एंड द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन भी डिजिग्नेटेड, तो इनको हम एक स्पेशल डिजिग्नेशन से लिखते हैं। लैम्डा जिसको हम उल्टे वी के सिंबल के द्वारा लिखते हैं, ये होता है लेफ्ट हैंडेड अर्थात लिवो रोटेटरी आइसोमर्स के लिए लैम्डा का यूज करते हैं। एंड दूसरा सिंबल है डेल्टा जिसको हम एक ट्राइंगल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये राइट हैंडेड अर्थात राइट साइड रोटेशन के लिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स के लिए हम डेल्टा का यूज कर सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम डिसाइड करते हैं पोलेरोमीटर के द्वारा। पोलेरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हमें यह मालूम चलता है कि कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट को उस कंपाउंड के द्वारा किस डायरेक्शन में रोटेट किए गए हैं। यह पोलेरोमीटर का डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले ये लाइट सोर्स है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, जिससे अनपोलराइज लाइट निकलती है। तो ये जो सिंबल है ये अनपोलराइज लाइट का है, अर्थात लाइट का हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। जब इस अनपोलराइज लाइट को हम पोलराइजिंग फिल्टर से पास करते हैं तो पोलराइजिंग फिल्टर से पास करने पर केवल एक डायरेक्शन वाली लाइट इसमें से पास होगी, और हमें यहाँ पे जो लाइट प्राप्त होती है ये पोलराइज लाइट कहलाती है। पोलराइज लाइट मतलब जिस जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, बाकी सारी रेडिएशंस इस फिल्टर की दूसरी साइड रह जाती हैं। अब हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट है और इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन में से पास करते हैं। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने उस कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स को रखा है जिसका हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टडी करनी है कि वो किस तरह का ऑप्टिकल आइसोमर है। तो इस ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन जहाँ पे हम रखा हुआ है इसके अंदर से हम पोलराइज लाइट को पास ऑन करवाते हैं,
और जब ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन में से पोलराइज लाइट निकलकर बाहर आती है, तो यहाँ पर इसका रोटेशन किस दिशा में हो रहा है उसके आधार पे इस आइसोमर की नेचर हम डिसाइड करते हैं। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का जो एंगल ऑफ रोटेशन है उसको बताता है, इसको हम एनालाइजर कहते हैं। तो जब प्लेन पोलराइज लाइट ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन में से पास होकर के एनालाइजर पर पहुंचती है, तो हमें इसका पता चलता है कि यह प्लेन पोलराइज लाइट किस डायरेक्शन में रोटेट हुई और कितने एंगल से रोटेट हुई। इसको हम यहाँ पर इस एनालाइजर पर आसानी से स्टडी कर सकते हैं और इस तरह से हमें बता सकते हैं कि इस कंटेनर में रखा हुआ सॉल्यूशन लीवो रोटेटरी है या डेक्सो रोटेटरी है और उसका रोटेशन कितने एंगल से हुआ है। इस तरह से यहाँ पे जो भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं इन सब की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं, पर ये रोटेशन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी जो होती है इन दोनों की, ये डिफरेंट होती है। अब हमने बताया कि ऑप्टिकल आइसोमर्स या तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स के बारे के अंदर हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स का स्टडी करना है। सबसे पहले हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो इसमें से कुछ कंपाउंड्स होंगे जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करेंगे, कुछ आइसोमर जो हैं कंपाउंड्स वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। ये यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको हम जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं पढ़ के ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे। तो कौन से कंपाउंड जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करते, सबसे पहले हम उनके बारे में देखेंगे। तो जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, तो इसमें सारे ME4 टाइप कॉम्प्लेक्स, ME3B टाइप कॉम्प्लेक्स एंड MAB3 टाइप कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, जहाँ पे ए और बी मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, इस टाइप के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज में नहीं शो करेंगे। नेक्स्ट, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विथ आइसोब्यूटिलिन डायमिन एंड मेसोस्टिलबिन डायमिन लिगेंड, ये स्पेशल केस है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। जनरली हम देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री होने की वजह से या एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस होने की वजह से वह ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनाते हैं, लेकिन यदि कोई ऑप्टिकल आइसोमर के साथ में यह पर्टिकुलर लिगेंड जुड़ा हुआ है तो वह कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमर्स बना सकता है। इसके अलावा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज ऑफ MABCD टाइप एंड MAB2 टाइप कॉम्प्लेक्स जो हैं वो भी ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेंगे। ABCD आर द 4 डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड एंड AB इज द अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो यदि कोई मेटल एटम 4 डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड से टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ है या कोई मेटल 2 अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के साथ में जुड़ा हुआ है तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज में देखने को मिलती है। अब हम वन बाय वन देखेंगे एग्जांपल्स। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज। तो उसमें हमने बताया कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज में नहीं होती है, तो वी कैन से ऑप्टिकल आइसोमेरिज इज रेयर इन इवन इफ ऑल द 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट। यदि चारों लिगेंड भी डिफरेंट हों तो भी ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एग्जांपल है इन ए कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम सेकेंड विथ आइसोब्यूटाइलिन डायमिन एंड मेसोस्टिलबिन डायमिन लिगेंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज वाज ऑब्जर्व। तो आपको यह एक पर्टिकुलर लिगेंड ध्यान में रखना है जिस लिगेंड के साथ में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? This is so because both the phenyl groups of mesostilbene diamine ligands are present above the plane of the ring and hydrogen atom below the plane of the ring. जो ये mesostilbene diamine ligand है इसमें phenyl rings होती हैं और hydrogen atom होते हैं। Phenyl rings जो होती हैं वो above the plane situated होती हैं, hydrogen atom below the plane होते हैं। Therefore the compound has no plane of symmetry. तो यहाँ पर plane of symmetry जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जनरली पाई जाती है वो ख़त्म हो जाती है एंड पजेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज में।
Mills and Quibell 1935 resolved the two optical isomers of this compound. तो ये इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है जिसके साथ में दो डिफरेंट लिगेंड जुड़े हुए हैं। कौन कौन से डिफरेंट लिगेंड हैं जो हमने अभी आपको बताया, एक है आइसोब्यूटाइलिन डायमीन जो ये फर्स्ट नंबर पे है, दिस वन इज आइसोब्यूटाइलिन डायमीन एंड सेकेंड वन इज मीजो स्टिलबिन डायमीन लिगेंड। मीजो स्टिलबिन डायमीन लिगेंड में हम देख सकते हैं दो फिनाइल रिंग्स हैं और दो हाइड्रोजन एटम हैं। इनकी सिचुएशन अबाउट द प्लेन और बिलो द प्लेन के आधार पर हम इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमर्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तब उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। यदि एम ए बी सी डी टाइप कॉम्प्लेक्स अर्थात मेटल चार डिफरेंट लिगेंड्स के साथ जुड़ा हुआ हो, ये हम देख सकते हैं दिस वन इज़ द अरेंजमेंट इन टेट्राहेड्रल पोजिशन। मेटल चार डिफरेंट लिगेंड के साथ में टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ है और जिस जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनता है। अब इस पिक्चर को उठाकर हम यदि इस पिक्चर के ऊपर रखेंगे तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। ए और सी तो एक दूसरे को कवर कर लेंगे, पर हम देखते हैं बी के ऊपर डी के ऊपर बी लिगेंड आएगा और बी के ऊपर डी लिगेंड आएगा, अर्थात सुपर इम्पोजिबल नहीं है। सुपर इम्पोजिबल का मीन्स हर एटम या हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को कवर करे, मेटल के ऊपर मेटल और चारों लिगेंड्स के ऊपर लिगेंड्स आए तो उसको हम सुपर इम्पोजिबल कहते हैं। तो ये पिक्चर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी चार डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड है। वी कैन से ए इज मिथाइल ग्रुप, बी इज इथाइल ग्रुप, सी इज सल्फाइड ग्रुप, डी इज C6H4COO ग्रुप और मेटल यहाँ पर यदि हम आर्सेनिक लेते हैं तो। दूसरा हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूटेड्रल कॉम्प्लेक्सेज एम ए बी टू टाइप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज जो होते हैं उनमें भी हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने को मिल सकते हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज ऑफ सम मेटल्स लाइक बेरिलियम, बोरान, जिंक विथ अनसिमेट्रिकल लिगेंड सच इज बेंजोइल एसीटोन पजेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें भी हम क्या देखते हैं कि जो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड मतलब ए बी टू टाइप लिगेंड्स का मतलब यहाँ पर है ऐसा बाइडेंटेट लिगेंड जिसमें दोनों डोनर एटम डिफरेंट होते हैं। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड वह होता है जिसमें दोनों डोनर एटम सेम होते हैं। तो ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के साथ में इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स हम देख सकते हैं, मिरर प्लेन बनाते हैं। तो ये जो दोनों इमेजेज हैं ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है, इसलिए इसमें हम आसानी से ऑप्टिकल आइसोमर्स की स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर फोर। कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के साथ दो टाइप की स्ट्रक्चर्स बनती हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो बेसिकली स्क्वायर प्लेनर में प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से वहाँ पे उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमने देखा ऑप्टिकल आइसोमर्स बनने के लिए दो क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, या तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए, सेकंड उसमें एसिमेट्री हो अर्थात कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो। इसलिए ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डजंट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज या हम कह सकते हैं विथ कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स कॉम्प्लेक्सेज। तो बेसिकली हमें तीन टाइप के जिनमें टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल तीन जियोमेट्रीज के अंदर हम आइसोमेरिज्म का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो, चाहे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हो, चाहे डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।